नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दुष्यंत चौटाला ने कृषि से जुड़े हुए कानूनों का विरोध करने पर राहुल गांधी पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कृषि शब्द के पहले अक्षर के बारे में भी ज्ञान नहीं है। पंजाब और हरियाणा के दौरे पर आ रहे राहुल गांधी केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि अध्यादेशों और उनसे जुड़े हुए कानूनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। वहीं बड़ौदा उपचुनाव के बारे में पूछे जाने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि दोनों ही संगठन आपस में समन्वय बना रहे हैं और जल्द ही अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा बड़ौदा उपचुनाव में सीएम मनोहर लाल को उनके ही सामने चुनाव लड़ने की चुनौती देने वाले सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पलटवार करना छोड़ दे, इससे पहले वे खुद इस्तीफा देने, बोलना तो बहुत आसान है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने इशारों में अभय सिंह चौटाला पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सिरसा के लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, उन्हें बड़ौदा जैसे उपचुनाव में भेजो। वहीं किसानों द्वारा घेरे जाने के संबंध में प्रश्न पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों के लिए उनके दरवाजे हर समय खुले हैं क्योंकि मैं स्वयं एक किसान हूँ। उन्होंने कहा कि वे किसानों के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पल पल सिरसा से अमर सिंह चाणी की विशेष रिपोर्ट। जिस हिसाब से प्रदेश के अंदर पिछले 3 वर्षों से वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर बड़ा फोकस्ड कार्य हुआ है, उसको आगे ले जाते हैं, जैसे केरल में, आंध्रा में, आज के दिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सेल्फ सस्टेनिंग ताकत देने का काम किया, उनका ट्रांजैक्शन लेवल बढ़ाने का काम किया है और उनको अपॉर्चुनिटीज ला कर दी है कि वो ट्रेड की ओर जाए। और इसके अंदर हिसार के मिनी सेक्रेटरिएट में एक बूथ हमने प्राथमिक तौर पर अलॉट किया नारनौंद की महिलाओं को, जिनने बाजरा बिस्किट, बाजरे के कुरकुरे, इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स जो HIU के सहयोग से डेवलप किए, वो अब सेक्रेटरिएट में आकर व्यापारिक तौर पर अपने बूथ के माध्यम से लोगों को बेच पाएंगे, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। और हमने ये टारगेट लिया है कि इस वर्ष के अंदर 22 के 22 जिले की सेक्ट्री मिनी सेक्ट्रिएट के अंदर हम वैसा ही इंफ्रा डेवलप करेंगे जिससे गांव की औरतों को ये अपॉर्चुनिटी हम दे पाए। और आने वाले समय में फिर चाहे वो हमारा सूरजकुंड मेला क्यों ना हो, उनके अंदर भी फिर डिस्ट्रिक्ट के इस तरह के शोज हम बूथ सलॉट कर पूरे हरियाणा लेवल तक प्रेरित करेंगे। और मेरे को तो उम्मीद है कि केवल मात्र खाने की प्रोडक्ट ही नहीं, आज हरियाणवी कल्चर की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद समय के साथ हमारे कल्चर से तो गायब हो रही है मगर दूसरे प्रदेशों के अंदर उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और उन चीज़ों को गांव की औरतें दोबारा रिवाइज भी कर सकती है कि हमारा कल्चर भी रिवाइव हो और पैरेलली जो और प्रदेशों के अंदर मांग है वैसी वस्तुओं की, उनको हम फुलफिल करें। आज प्रोक्योरमेंट को 4th दिन है और 4 दिन के अंदर मार्केट प्राइस जो कॉटन का था, वो मुझे याद है जब हम स्मृति ईरानी जी से 26 तारीख को मिल के आए तो 3800 रुपये से कम था, आज 5200 रुपये से ज़्यादा है। जो 1509 वैरायटी है नॉन MSP की, उसका रेट 1750 के लगभग था, आज वो रेट 2100 हुआ है। जब मार्केट के अंदर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट शुरू हुई है, तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रेट्स भी इंक्रीज हुए हैं और MSP के ऊपर चाहे पैडी हो, सुपरफाइन पैडी हो, बाजरे की रिकॉर्ड मात्रा में परचेज हुई है और मक्का भी, क्योंकि अभी आना शुरू है मार्केट के अंदर, उन मंडियों में भी हमने ड्रायर्स पहुँचा दिए हैं कि मक्के को लेके आए किसान को भी सुखाने की समस्या ना हो। राइट शेयर्स के बीच में कुछ गतिरोध था सरकार के बीच में, कुछ वर्षों मिलकर गए थे और उनकी जो समस्या थी वो दो उनकी डिमांड थी जो केंद्र सरकार ने फुलफिल करनी थी, उसके लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र को पत्र भी लिखा है। और हमारे जो 8 बड़े जिले हैं जहाँ पैडी की प्रोक्योरमेंट होती है, उसमें पूरी तौर पर मिलर्स ने अपना काम सुचारू तौर से शुरू कर दिया। राहुल गांधी जी वो व्यक्ति है जिनको कृषि के के बारे में भी नहीं पता और आज वो उन 3 अध्यादेशों के ऊपर प्रदर्शन करना चाह रहे हैं।
मैं तो चाहूंगा जब वो